नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं इरशाद राही, लेकर आया हूं आपके लिए साहित्य फनकार। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हमारे तमाम साहित्य के फनकार जो अपने कलम के जरिए से लोगों तक आपके दिल की बातों को पहुंचाते हैं। इसमें नए और पुराने कलमकारों को मौका दिया जाएगा। जो लोग इसमें आना चाहते हैं वो कमेंट्स में, इनबॉक्स में हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा और बहुत दूर तक के ये सिलसिला चलता रहेगा। आज हमारे बीच में बहुत सारे फनकार आए हैं, अभी उनकी एक से एक रचनाएं हम लोग सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे। आज जो रूबरू यहाँ तक पहुँचा है उसमें आपकी मेहनतें, आपका प्यार, आपका स्नेह, आपकी मोहब्बतें शामिल हैं। अगर आप ना होते तो यकीन जानिए हम भी ना होते, और इस बात को आप बिल्कुल ऐसे यकीन जानिए कि मैं आपसे ये कहूँ कि मैं जिंदा हूँ और सांसें ले रहा हूँ। नमस्कार, रूबरू फाउंडेशन के द्वारा आयोजित साहित्य के फनकार कार्यक्रम में मैं निमिषा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सब हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल रूबरू को सब्सक्राइब करें और इनबॉक्स में कमेंट करें और अपना संपर्क सूत्र वहां पर छोड़ें। सफर अब खत्म हुआ अपना, जुदा की रस्म बाकी है। सफर अब खत्म हुआ अपना, जुदा की रस्म बाकी है। बिखर गई साह जो पन्नों पर, अभी वो नज्म बाकी है। बिखर गई साह जो पन्नों पर, अभी वो नज्म बाकी है। सफर अब खत्म हुआ अपना, जुदा की रस्म बाकी है। न गलत तुम हो न गलत मैं हूँ, यही हर बार कहती हूँ। न गलत तुम हो न गलत मैं हूँ, यही हर बार कहती हूँ। कैसे सहलूं ये खामोशी, अभी तकरार बाकी है। सफर अब खत्म हुआ अपना, जुदा की रस्म बाकी है। लिखे थे साथ मिलकर जो प्रेम की दास्तां हमने, लिखे थे साथ मिलकर जो प्रेम की दास्तां हमने। कभी नगमों को आकर सुन, अभी वो साज बाकी है। कभी नगमों को आकर सुन, अभी वो साज बाकी है। सफर ये खत्म हुआ अपना, जुदा की रस्म बाकी है। बिखर गई स्याह जो पन्नों पर, अभी वो नज्म बाकी है। धन्यवाद।